नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गांव किसान। दोस्तों ये वीडियो आप YouTube के साथ साथ मेरे Facebook पेज गांव किसान पे भी देख सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं गेहूं की चार ऐसी किस्में जिनकी उपज काफ़ी अधिक है। कौन सी हैं किस्में, कहाँ पे मिलेंगी, कैसे करेंगे आप संपर्क, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन जब दबाएंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो दोस्तों इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं गेहूँ की उन चार नई किस्मों की बारे में जो कि जिनकी पैदावार काफ़ी अधिक है। नमस्कार किसान भाइयों, गेहूँ की बुआई अधिकतर धान के बाद ही हम सभी करते हैं, अतः गेहूँ की बुआई में ज़्यादा देर हो जाती है। ऐसे में हमें सबसे पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि खरीफ में धान की कौन सी किस्म का चयन करें और रबी में उसके बाद गेहूँ की कौन सी किस्म बोएं जो कम समय में अधिक उपज दे। ऐसे में आइए हम आपको भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा रिलीज की गई गेहूँ की उन्नत किस्मों के बारे में आपको बताते हैं जो कम समय में ज़्यादा अच्छी उपज देती हैं। तो सबसे पहले जो किस्म है उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए है गेहूँ की HD 3043। गेहूँ की इस किस्म में लगभग 66 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। गेहूँ की इस किस्म में स्ट्राइप स्टट्स और लीफ रस्ट के खिलाफ उच्च स्तर का प्रतिरोधक दिखाया है, मतलब ये रोगों से बच जाती है। इसके साथ ही इसमें ग्लू वन स्कोर 8/10 इसको मिल गए हैं। इसकी रोटी बनने में अच्छी होती है। HMW सब यूनिट संयोजन है इसमें। ब्रेड लोफ वॉल्यूम CC ब्रेड जो क्वालिटी का स्कोर है वो भी उच्च मात्रा इसकी है। और दूसरी की अगर बात करें तो गेहूं की दूसरी किस्म है वो है गेहूं की HI 1563 उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्रों में बुआई के लिए अच्छी है। गेहूं की इस किस्म में धारी तना पत्ती के जंग का उच्च प्रतिरोध है, मतलब इन रोगों से इसमें बचाव है। इसके साथ ही गेहूँ की इस किस्म में लगभग उपज जो है 38 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक है। HI 1563 की अच्छी गुणवत्ता वाला गेहूं जीनोटाइप है जिसमें कि रोटी चपाती और बिस्किट की अच्छी गुणवत्ता होती है। इसमें लौह जस्ता और तांबे जैसे सूक्ष्म तत्व मौजूद होते हैं। तीसरी किस्म है गेहूं की HD 2987 पूसा बहार जिसको बोलते हैं। गेहूँ की यह किस्म महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु के मैदानी इलाकों में बुआई है तो उपयुक्त है। वर्षा आधारित जगहों पर इसकी उपज 20 से 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है। सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में 30 से 32 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गेहूं की इस किस्म की रोटी भी अच्छी बनती है। अब गेहूं की चौथी किस्म और आखिरी किस्म है वो है गेहूं HT 2985 पूसा बसंत इसको बोलते हैं। गेहूँ की यह किस्म पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और मैदानी क्षेत्रों में बुआई के लिए उपयुक्त है। गेहूं की इस किस्म की उपज 35-40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। यह 105 से 110 दिनों में तैयार हो जाती है। अगर इन बीजों की आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या इनसे मतलब इनको लेना चाहते हैं तो इसका जो एड्रेस है वो है पूसा, नई दिल्ली, दिल्ली 11012, ये इसका पिन कोड है। अगर फ़ोन नंबर की बात करें तो इसका फ़ोन नंबर है 01125843375। ये इस नंबर पे आप फ़ोन करके इन वैरायटीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो जो कि गेहूं की किस्मों पे आधारित था कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन जब प्रेस करेंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। दोस्तों खेती किसानी संबंधित, पशुपालन से संबंधित और भी जो खेती किसानी से जुड़ी हुई खबरें पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट gaonkisan.net पर भी आ सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।